चार पांच महीनों से किसान की मांग पर आंदोलन बचा है। आप खुद उठाकर देखो, आप पत्रकार हैं सारे, मैं तो आपके माध्यम से भी देखता हूं कि अब आंदोलन किसान की मांग का नहीं बचा। किसान की मांग क्या थी, उसकी मंडी चलती रहे, वो हमने चलाई और बहुत बेहतरीन तरीके से चलाई। किसान की मांग थी कि फसल MSP पर बिके, एक एक दाना गेहूं का खरीदा गया और सरसों मंडी में नहीं आई, सूरजमुखी मंडी में नहीं आई, दाल मंडी में नहीं आई, 6 क्रॉप्स हमने MSP पर परचेज करने का फैसला लिया। किसान की तीसरी मांग थी कि उसकी जमीन को तो हत्याया ना जाए, अब तक प्रदेश में एक ऐसा केस हमें सुनने को नहीं मिला। अब तो आंदोलन ये रह गया कि कैसे सरकार का विरोध किया जाए, JJP और BJP का विरोध किया जाए। और मुझे लगता है अब इस आंदोलन का फेस वो किसान संगठन नहीं बचे, अब इनका फेस कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग बन चुके हैं, जो आगे कोई जिला परिषद लड़ना चाहता है, कोई सरपंची लड़ना चाहता है, या कोई अपनी पार्टी बनाना चाहता है, या कोई किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहता है, वो बनकर रह गए। किसानी का मैं भी समर्थन करता हूँ, मैं भी किसान हूँ, और इसीलिए मजबूती के साथ मैं पहले दिन कहता था MSP खत्म नहीं होगी, MSP चालू रहेगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ, आज अगर जीरी का भाव 60 रुपये बढ़ा है, MSP 62 रुपये, तो उसका लाभ किसको मिलेगा? 400 करोड़ रुपए एडिशनल अगर हरियाणा के खाते में आएगा प्रोक्योरमेंट में, तो उसका फायदा किसान को मिलेगा, और किसान को यही फायदा देना हमारा लक्ष्य है, और जब तक हम सत्ता में हैं किसान को इसी तरह का फायदा हम देते रहे। कार्यक्रम हम तो निरंतर करते आ रहे हैं, और जो जो लोग विरोध करेंगे वो कानूनी कार्रवाई भी देखेंगे।